नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्राइम फोकस या सी बैंड डिश के कोनिकल स्केलर रिंग या फिडोन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये इस टाइप का कोनिकल स्केलर रिंग प्राइम फोकस डिश में यूज़ होता है, और यहाँ पे आप वो फाइबर डिश वाला फिडोन नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे इस टाइप वाला लगता है सी बैंड की, सॉरी के यू बैंड की, आउट ऑफ कवरेज सेटेलाइट को ट्रैक करने के लिए। तो ये देख लो, मेरे पास दो टाइप के फिडोन है। एक तो ये फाइबर डिश में लगता है, आपको दिख रहा होगा ये, जो कि मैंने इसमें फिक्स कर दिया दोस्तों, गोंद वोंद लगा के, एमसील लगा के एकदम पूरा टाइट कर दिया है, एरल लाइट लगा के, सॉरी एमसील बोल दिया मैंने। और ये जो इस टाइप का आपको फिडोन दिख रहा है, या कहे तो कोनिकल स्केल रिंग, ये दोस्तों मोस्टली जो है सी बैंड डिश या फिर ये पीछे जो प्राइम फोकस डिश है वहाँ इसमें लगता है ये। ये आप फाइबर की डिश में नहीं लगा सकते, ये देख लो। इसमें ये जो पाइप है दोस्तों, आप इसको जितना नीचे करना उतना नीचे चल जाता है। इसकी फिटिंग ऐसी डिजाइन की हुई है कि इसको जितना आर पार करना उतना ये हो जाएगा, जितना पीछे करना उतना पीछे हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसकी सिग्नल टेस्टिंग करके नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर की एक ही एलन भी है और उस पर मैंने ऑलरेडी फिडोन लगाया हुआ है, जिस कारण से ये पाइप उसमें घुसेगा नहीं। तो लेकिन मैं आज के वीडियो में इसकी फिटिंग वगैरह में बता सकता हूँ। ये मैंने दोस्तों कल ही बुलवाया है, कल रात की बस से ये मेरे घर पे पहुँचा है, और ये मैंने मेरे एक फ्रेंड से लिया है दोस्तों, जिन्होंने कि दुबई से मंगवाया था। बाकी इसको मैं, ये जो डिश है दिख रही है आपको लीलोस की या सोलिड की, इस पर लगा के बताता हूँ। देख लो दोस्तों, ये कोनिकल स्केल रिंग आउट ऑफ कवरेज सेटेलाइट को ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, जब आप इस प्राइम फोकस डिश पे के यू बैंड का कैमरा लगाते हो तो उसकी फिटिंग ठीक से नहीं हो पाती उसको। इसमें दोस्तों सी बैंड का अलग थोड़ा सा फोकल बनता है और के यू बैंड का अलग फोकल बनता है, तो कई बार दोस्तों इसमें हमें प्रॉपर तरीके से सिग्नल मिल नहीं पाते के यू बैंड के आउट ऑफ कवरेज सेटेलाइट के। तो उसके लिए दोस्तों इसको डिज़ाइन किया गया, देखो इस प्रकार से इसको घुमा के, इसके अंदर आटे भी बने हुए, ये अंदर भी चल जाता है और बाहर भी आ जाता है। और ये जो पाइप दिख रहा है दोस्तों, ये इसके अंदर लगता है एलएनबी के अंदर। और दोस्तों ये पाइप जो है इन्वर्टर एलएनबी, ये टाटा स्काई की नई वाली या डिश टीवी की नई वाली जो एलएनबी है उसके अंदर एकदम फिक्स बैठ जाता है ये पाइप। ये आप अपने हिसाब से इसको अलग से भी बनवा सकते हो, लेकिन मेरे पास जो पाइप आया है ये इन्वर्टर में एकदम फिक्स बैठता है। लेकिन दोस्तों मैंने, तो दोस्तों आपको जैसा कि ये दिख ही रहा होगा कि मैंने तो जो है के यू बैंड वाला फिडोन पहले से ही इसमें जोड़ रखा है, और वो भी एरल लाइट से चिपका दिया। अब ये निकलेगा भी नहीं, और ये यहाँ पे इस प्रकार से लग भी नहीं सकता। और मेरे पास दोस्तों कोई सी दूसरी एलएनबी भी नहीं है जिससे कि मैं इसमें ये पाइप फिट करके इसमें लगा के आपको सेटेलाइट ट्रैक करके बताऊँ कि कितना सिग्नल का फर्क आ रहा है। तो दोस्तों मैं एक और दूसरी ब्लैक इन्वर्टर एलएनबी मंगवाऊँगा, या फिर कोई सी भी दूसरी नॉर्मल एलएनबी जिसमें ये पाइप फिट हो जाए, और उसको यहाँ पे लगा के फिर आपको मैं बताऊँगा कि कितना परसेंट सिग्नल गेन हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना सिग्नल स्टेबल हो रहा है। तो दोस्तों इसका वीडियो तो आपको आने वाले कुछ अगले वीडियो में ही दे पाऊँगा मैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मेरे पास एक ही एलएनबी इन्वर्टर की, और जिसमें ऑलरेडी मैंने ये के यू बैंड वाला फिडोन चिपका दिया है, अभी ये निकलेगा नहीं। तो मैं दोस्तों इस फिडोन को चेक करने के लिए एक और एलएनबी मंगवाता हूँ, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि कितना परसेंट का मुझे फ़ायदा हो रहा है सिग्नल में। बाकी एक दूसरे एलन भी हम काट रहे हैं दोस्तों इस पाइप में फिटिंग के लिए। और दोस्तों इस वीडियो में आपको सिर्फ ये कोनिकल स्केलरिंग जो प्राइम फोकस का वही दिखाना था, बाकी मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और वीडियो के साथ।